हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप विदाउट यूजीसी नेट और विदाउट पीएचडी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं तो क्या आप बिलीव करेंगे? आप लोग बिलीव नहीं करेंगे गाइस। अभी यूजीसी ने, गवर्नमेंट की तरफ से यूजीसी ने इस चीज को अप्रूव कर दिया है, एक ड्राफ्ट बना करके अप्रूव कर दिया गया है कि विदाउट यूजीसी नेट, विदाउट पीएचडी और इनफैक्ट विदाउट पोस्ट ग्रेजुएशन, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको भी नहीं देखा जाएगा और आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी ड्राफ्ट। कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको जो कि यूजीसी ने इशू किए हैं गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले गाइस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज देखिए, यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट जो था ये मार्च में लाया गया था। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्च में ड्राफ्ट लाया गया था जिसमें बात की गई थी कि जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, उनको भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मंजूरी दी जाएगी। और अब उस ड्राफ्ट को फाइनली मंजूरी मिल गई है, फाइनली यूजीसी ने इस चीज को अप्रूव कर दिया है और कंप्लीट गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं। सो यूजीसी अप्रूव्स प्रपोजल फॉर हायरिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट एज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड की जाएगी, कंप्लीट चीजें कवर करने वाला हूँ मैं। देखिए गाइस, यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एक्सपर्ट एज प्रोफेसर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट एज प्रोफेसर वाला जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट चलेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य क्या, क्यों किया जा रहा है ये? ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू फैकल्टी कैटेगरी इज टू ब्रिंग इन डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड इन टू अकेडमी अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट रूल्स। गाइस देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें इस बारे में बोला गया था कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी प्रोफेसर बनने के लिए एक मौका दिया जाएगा। उसका रीजन ये बताया गया था कि भाई जितने भी स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं उनको थियोरेटिकल नॉलेज तो हो जाती है लेकिन प्रैक्टिकल और रियल लाइफ नॉलेज उनको नहीं हो पाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ये बोला गया कि थियोरी नॉलेज भी जरूरी है, इसलिए 90% जो कोटा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो फिक्स कर दिया गया है, जो थियोरी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो, और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे उनको 10% का कोटा यहाँ पर दिया गया है। मतलब अगर सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्ट्रेंथ जो 10% रहेगी, तो यहाँ पर गाइज ये बोला जा रहा है कि अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 10 सीटें जो हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लिए रहेंगी, बाकी जो 90 सीट्स रहेंगी वो यूजीसी नेट और पीएचडी वालों के लिए रहेंगी। तो ये मत सोचना कि यूजीसी नेट और पीएचडी बंद हो जाएगा या इसका कोई फायदा नहीं है। 90% सीटें यूजीसी नेट और पीएचडी वालों के लिए रहेंगी, केवल 10% सीटें रहेंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लिए। और गाइज यहाँ पर जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अब जब आप नेट पीएचडी करते हो तो आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लगती है ना, लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रहेंगे उनका मैक्सिमम टेन्योर 4 ईयर का रहेगा। पहले 3 साल के लिए किया जाएगा, फिर 1 साल उनका और एक्सटेंड करके 4 साल कर दिया जाएगा, तो इनको मैक्सिमम टेन्योर 4 साल के लिए ही रहेगा, उसके बाद इनको वहां से निकाल दिया जाएगा। और जो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ रहेगी रिक्रूटमेंट की वो केवल और केवल 10% रहने वाली है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा गाइज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उनको कवर कर देता हूँ यहाँ पर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इंडस्ट्री में कौन सा काम करें हम ताकि जो हमारा रिक्रूटमेंट है वहां पर इस तरीके से हो जाए, तो यहाँ पर फील्ड जो है मेंशन करी गई है। तो फील्ड कौन कौन सी है, इंजीनियरिंग फील्ड है, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो लास्ट 15 साल से, 15 ईयर्स का क्राइटेरिया दिया गया है, 15 साल से आप रेगुलर काम कर रहे हो उस फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड में काम कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, साइंस की फील्ड में काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप है, कॉमर्स है, सोशल साइंस है, मीडिया में काम कर रहे हो, जो मीडिया पर्सन है ना वो लोग भी मास मीडिया को पढ़ा सकेंगे, प्रोफेसर बन सकेंगे, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स में काम कर रहे थे आप, सिविल सर्विसेज में काम कर रहे थे आप, या फिर आर्म फोर्सेज में थे तो भी आप बन सकेंगे, लीगल प्रोफेशन में थे आप कहीं लॉयर थे, आप कहीं पर केसेस वगैरह लड़ा करते थे तो भी आप LLB वगैरह बच्चों को पढ़ा पाएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थे आप, और अब इन लोगों को जो है अकेडमिया में आने का एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दे दी गई है ताकि ये लोग जो अपना एक्सपीरियंस था, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था
वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सके, और जो स्टूडेंट्स हैं वो थियोरटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, जो रियल लाइफ नॉलेज है, उसको भी सीख सकें, समझ सकें। तो ये सब किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के। इससे पहले गाइस गाइस हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि जो बीएड है वो भी 1 साल करने का प्लान किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और आई थिंक मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, और अगर अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट बताया था कंप्लीट, कि भाई 1 साल का जो बीएड है वो कब से लागू होगा और कैसे लागू किया जाएगा, क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा इसका। तो 1 साल का अगर बीएड का प्लान कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो गाइज यहाँ पर आप आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ बोला गया है इसमें। अब यहाँ पर गाइज जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो क्या रहेगा, एक्सपर्ट विद प्रूवन एक्सपर्टीज ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर, मतलब 15 साल तक आपने काम किया हो इंडस्ट्री में, पहला तो ये। एंड देन एंड सेकेंड थिंग इज दैट इज नो फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। तो कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन देखी ही नहीं जाएगी, मतलब ना तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ना आपने नेट दिया, ना पीएचडी दिया, कुछ भी नहीं दिया। आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो देखी ही नहीं जाएगी, लेकिन आपने एग्जाम्पलरी काम किया हो, मतलब बहुत अच्छे से आपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस करी हो, और आपकी जो फील्ड है आप में, आपका उसमें नाम हो, मतलब कहीं ना कहीं जो है आपने अच्छा परफॉर्म किया हो उन 15 सालों में। दीज एक्सपर्ट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन। आप यहाँ पर, आपको पता होगा कि रिसर्च पेपर पब्लिश करना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब पीएचडी करते हो तो रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करने होते हैं। और जब आप एज ए ओनली नेट के बेसिस पे अगर आप रिक्रूटमेंट चाहते हो, तो जब जहाँ पर रिटर्न एग्जाम होते हैं वहां पर भी पब्लिकेशन देखी जाती है कि आपने कोई पब्लिश किया है पेपर, तो वहां पर आपको एक तरीके से एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पर इनको साफ साफ बोला गया है कि भाई इस चीज से भी इन चीज को, इन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, कि किसी भी तरह का कोई पब्लिकेशन जो है आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज यहाँ पर अगर लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं कि उन्होंने पेपर पब्लिश कर रखे हो, है ना। इसके अलावा अगर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमारी पोस्ट का क्या होगा, जो हम अप्लाई करेंगे नेट पीएचडी, क्या हमसे कॉम्पिटिशन होगा इनका, तो आप लोगों से इनका कॉम्पिटिशन नहीं होगा। आपकी पोस्ट बिल्कुल अलग होगी, सेपरेट 90% पोस्ट रहेंगी, और 10% जो पोस्ट है वो इनके लिए रखी जाएंगी। सो द पोस्ट विल नॉट बी ओपन फॉर दोज ऑलरेडी इन द टीचिंग प्रोफेशन। अब अगर आप लोग ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो फिर तो आपके लिए पोस्ट नहीं है, बिकॉज ये केवल इंडस्ट्री इंडस्ट्री वालों के लिए, फिर आपको 90% वाले में अप्लाई करना पड़ेगा। द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विल बी एंगेज अंडर 3 कैटेगरी। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में इनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। पहली कैटेगरी होगी फंडेड बाय द इंडस्ट्री, मतलब कंपनियां जो है इनकी सैलरी देने के लिए रेडी हो जाती हैं। फंडेड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब यूनिवर्सिटी खुद राजी हो जाए, और ऑनररी अंडर द फर्स्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर तीनों कैटेगरी में जो इनके रेमोनरेशन की बात की, उसकी बात की कि भाई कि सैलरी कौन देगा इनको, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन खोले गए हैं कि भाई कंपनी भी दे सकती है जहाँ से ये हायर किए जा रहे हैं, या फिर यूजीसी या फिर यूनिवर्सिटी भी दे सकती है इनको सैलरी, वो इनको बता दिया जाएगा जैसा भी रहेगा। इलेबोरेटिंग द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, द गाइडलाइन स्टेट दैट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल बी इनवाइट नॉमिनेशन फ्रॉम द एमिनेंट एक्सपर्ट। तो यहाँ पर नॉमिनेशन जो है मांगा जाएगा, यहाँ पर नॉमिनेशन नॉमिनेट किया जाएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है डिमांड रखी जाएगी कि भाई हमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, और कौन जो है इस चीज के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें 2 सीनियर प्रोफेसर होंगे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, और एक एमिनेंट एक्सटर्नल मेंबर होगा, मतलब 3 लोग होंगे यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पर उनके सजेशन जो है कंसिडर किया जाएगा, उनका वो रिकमेंडेशन करेंगे, देन उसके बाद उनको अप्रूवल दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो है उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन जो रहेगी, पहले 1 साल की रहेगी 1 ईयर की, देन इसको एक्सटेंड करके 3 साल कर किया जाएगा, देन उसको एक्सटेंड करके 4 साल तक किया जाएगा। मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन जो रहेगी वो 4 साल रहेगी, इसके बाद इनको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बाहर जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक टाइम पीरियड के बाद इनको वहाँ से जाना ही पड़ेगा। सो गाइज ये थी आपकी न्यूज़। अभी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है सभी फ्रेंड के साथ। और इसके अलावा गाइज अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपको वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, प्लस 95 मॉक टेस्ट है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है, एक सिंगल पेज पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। खासतौर पर मैथमेटिकल रीजनिंग रीजनिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि टफ टॉपिक माने जाते हैं, इनको बहुत बेसिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक 7th 8th क्लास का स्टूडेंट भी अगर पढ़ेगा तो भी इन चीज़ों को समझ लेगा, इतने बेसिक तरीके से इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सभी कोर्सेज बायलिंग वाले, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, एक बार इसको इंस्टॉल करके खुद से एक्सप्लोर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।